नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और दिन है मंगलवार का। कल काशी में सावन का आखिरी सोमवार ख़त्म हो चुका है और आज सावन के बाद कैसा है काशी में दशाश्वमेध घाट से लेकर अन्य घाटों का दृश्य, उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बैक कैमरे से शुरू करते हैं। चितरंजन पार्क कैसी स्थिति है इसकी, ये आप देख रहे हैं सामने में ही दशाश्वमेध घाट मार्ग और ये है चितरंजन पार्क। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पार्क में आपको दिखाऊं तो रास्ते में अब बाइक खड़ी नहीं होगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं इसको लगा देने से अब बाइक यहाँ पर पार्किंग नहीं की जाएगी अंदर में। ये एक अच्छी पहल है, नहीं तो यहाँ से गाड़ियों को अंदर ले जाकर पार्क कर दिया जाता था। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ियाँ बहुत ही कम दिखाई देंगी, न के बराबर। और ये आप देख रहे हैं ये पार्क का हिस्सा, आधुनिक यहाँ पर इस पोल को लगाया गया है। तो जैसा कि एक अच्छी पहल मैंने दिखाई आपको कि चितरंजन पार्क में थोड़ा सा सुधार हुआ है और यहाँ पर अब पोल को खड़ा कर दिया गया है। इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ भी पोल लगा हुआ है। चलिए इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं, ये है आरती स्थल वाला मार्ग है दशाश्वमेध घाट मार्ग। दुकानें वैसे किनारे किनारे आप देखेंगे तो दोनों साइड दुकानें आपको लाइन से दिखाई देंगे। इन्हीं दुकानों को हटाया गया था जो, लेकिन फिर वापस ये दुकान दिखाई देती है। तो चलिए दशाश्वमेध भवन का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊं। यहाँ देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन पर इस मार्ग को भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी लाइन से आपको दुकानों का कब्जा है, जबकि ये लोगों के पैदल जाने के लिए मार्ग बनाया गया था। और ये दशाश्वमेध भवन, इधर देखेंगे तो आरती स्थल के पास यहाँ पर आपको सार्वजनिक सुलभ शौचालय की सुविधा मिलेगी। दो शौचालय यहाँ पर हैं और आगे में ही आरती स्थल जाने का दशाश्वमेध घाट। और ये आप देखें तो ये रेलिंग में नए डिज़ाइनदार पत्थर लगाए गए हैं दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों के पास। बैरिकेडिंग के अंदर कोई बाहर कोई स्नान करने नहीं जाएगा। आप देखेंगे दशाश्वमेध घाट पर अभी भी गंगा का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, सीढ़ियों तक है। और आरती, आपको शाम की आरती या सुबह की आरती छत पर की जा रही है। ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। ये आप देखेंगे तो यहाँ ये है राजेंद्र प्रसाद घाट, अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंगा का जल स्तर है। ये देख रहे हैं ये है राजेंद्र प्रसाद घाट।
ये मैं दिखाऊं तो यहाँ ये राजेंद्र प्रसाद घाट के मंच से बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ बिल्कुल गंगा का जल स्तर, और सामने में ही आप देख रहे हैं ये है आपका मान महल घाट। अभी भी सभी सीढ़ियाँ पूरी तरह से जलमग्न हैं घाट की, और संपर्क मार्ग एक दूसरे से बिल्कुल बंद। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सावन के बाद किस प्रकार घाट की स्थिति है और गंगा का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है, वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। इधर आप देखेंगे तो ये मान महल मंदिर के पास नीचे की तरफ घाट की सीढ़ियां अभी भी डूबी हुई है। अभी भी एक दूसरे घाट का संपर्क मार्ग पूरी तरीके से बंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। चलिए चलते हैं गलियों के माध्यम से मीर घाट की तरफ। इस तरफ देखेंगे तो ये बारही देवी का मंदिर है अंदर की तरफ। चलिए दोस्तों, ये मीर घाट का टेरेस है, यहाँ से आगे से आपको दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल ये त्रिपुर भैरवी घाट। देख रहे हैं किस प्रकार अभी भी पूरी तरीके से घाट का रास्ता बंद है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं जहाँ घाट आने जाने का रास्ता है वहाँ पे सब नावें खड़ी हैं। और ये मीर घाट पर टेरेस है जहाँ से आप शानदार व्यू दिखाई देता है माँ गंगा का। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ ये पूरा त्रिपुर भैरवी घाट, और आगे में दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, ये सभी घाट आगे की तरफ है। फिलहाल गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, अभी भी संपर्क मार्ग पूरी तरीके से बंद। इधर आप देखेंगे तो यहाँ ये है मीर घाट। सामने देखेंगे तो सामने में ही ललिता घाट जाने का मार्ग आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये भी जलमग्न है। और ये दूर आप देख रहे हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ये भी अभी भी जलमग्न है। देख रहे हैं ये छतरियां पूरी तरीके से जलमग्न है। और ये आप देख रहे हैं ललिता घाट कॉरिडोर का गंगा द्वार। सामने में जो इलेक्ट्रिक पोल है लाइट्स के, सभी जलमग्न। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।